उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ओ ए आर ओ एग्ज़ाम का हम मास्टर रिवीजन कर रहे हैं लगातार निरंतरता के साथ आपके समान अध्ययन के पूरे कंप्लीट पाठ्यक्रम का और साथ ही समान हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम का हम रिवीजन कर रहे हैं प्रतिदिन के स्तर पर मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ और निश्चित तौर पे आप सभी उस टारगेट को पूरा कर रहे होंगे अचीव कर रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ निश्चित तौर पे पूरे दिन आपके पास अब समय नहीं बचता होगा समय आपको देना पड़ता होगा लेकिन एक अनुभव आपको भी होगा कि अब आपका पाठ्यक्रम कम्प्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा विषय वस्तु आपको समझ में भी आ रहा होगा मैंने पहले दिन के टारगेट में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु दी थी साथ ही शब्द विलोम का विषय वस्तु दिया था पहले दिन के टारगेट में आज़ाद यू पी पी जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे लगातार आपको वीडियोज़ आ रहे हैं जिसके माध्यम से आपको रिविज़न को लेकर के मैं आपको दे रहा हूँ साप्ताहिक तो पहले दिन के टारगेट में राज्य व्यवस्था और शब्द विलोम दूसरे दिन का टारगेट कल हुआ था जिसमें हमने क्या दिया था आपको प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास का कुछ हिस्सा आपको देखना था इंटायर वीडियो के माध्यम से और साथ ही आपको क्या करना था साथ ही आपको पर्यायवाची शब्द 50 परसेंट याद करने थे जो आपको मैंने बुक्स बताई थी आज तीसरे दिन का टारगेट है ये हमारा आज़ाद यू पी पी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है यहाँ पर एक मैंने मास्टर प्लेलिस्ट भी बनाई है आर ओ आर एग्ज़ाम को लेकर के यहीं पर आपका टारगेट वीडियो भी आ रहा है आज़ाद अ एकेडमी के सहयोग से कंप्लीट टारगेट वीडियो आप लोग के लिए चलाए जा रहे हैं तीसरे दिन का टारगेट क्या करना है तीसरे दिन के टारगेट में देख तो मैं वीडियो टारगेट दे के जा रहा हूँ दूसरा आपको सेल्फ स्टडी का टारगेट दे के जा रहा हूँ वीडियो टारगेट मेरे द्वारा करवाए गए हैं हम हर एक सब्जेक्ट का हर एक विषय का वीडियो टारगेट करेंगे यहाँ तक कि समान हिंदी का भी करेंगे लेकिन साथ ही सेल्फ़ स्टडी में आपको मैं कुछ वैकेबलरी जो आपके समान दिन का साठ नंबर का पूरा सेक्शन है उसको आपको खुद करना है वैकेबलरी आपको याद करनी है वो मैं आपको दे करके जाता हूँ देखिए पिछले टारगेट में प्राचीन भारत आपने कंप्लीट कर लिया होगा कमेंट करके जरूर बताइए मध्यकालीन भारत के इतिहास का कुछ हिस्सा जरूर कर लिया होगा यदि नहीं हुआ हो तो उसे कंटिन्यूस रखिए आज जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो इंटायर वीडियो है हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट करेंगे ये वीडियो कहाँ मिलेगा आज़ाद यू पी पी सी एस एकेडमी में ये आर ओ ए आर ओ की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है अभी दिखा देता हूँ आपको वहाँ प्ले लिस्ट पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा मध्यकालीन संपूर्ण मध्यकालीन बार लगभग साढ़े छः घंटे का वीडियो है है ना साढ़े छः घंटे का वीडियो है पूरी मेडिवल हिस्ट्री है कंप्लीट दिल्ली सल्तनत मुगल काल से लेके आर्ट एंड कल्चर सब कुछ दूसरा है आपका आधुनिक भारत का इतिहास इंटायर वीडियो ये लगभग आपका टेन आवर्स का वीडियो है दस घंटे का वीडियो है ये दोनों कवर करने हैं आपको कल के उसमें आज जितना हो सके मेडिवल हिस्ट्री कर लीजिए अभी भी समय है आराम से आप मेडिवल हिस्ट्री कर लीजिए फिफ्टी मैंने कल दिया था टारगेट फिफ्टी कल और फिर ये आपका दोनों कंप्लीट करना है आपको दोनों कंप्लीट करना है आधुनिक भारत प्लस मध्यकालीन भारत का इतिहास ये तो रहेगा हमारे वीडियो टारगेट में दो बुक्स मैंने आपको बताई थी आपको मैंने ये भी बोला था कि बुक्स आप मंगवा सकते हैं यदि आपको कहीं ना मिले तो आज़ाद पब्लिकेशन आपके साथ हमेशा है डब्लू से आप कोई भी बुक मंगा सकते हैं आई से लेकर यू पी पी किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट बुक किट आप मंगवाइए आपको पूरी किताबें संस्थान के द्वारा भेज दी जाएंगी ये दोनों किताबें उपलब्ध हैं आज़ाद पब्लिकेशन में यदि आपके पास हैं तो अच्छी बात है इन्हीं से ये आपकी एक आदित्य प्रकाशन की हिंदी की बुक है बेस्ट बुक है मेन्स में भी काम आएगी ये आपके समीक्षा अधिकारी में और एक ट की हिंदी आती है दोनों में से कोई भी आपके पास है पर्यायवाची शब्द आपको कंप्लीट कर लेना है हंड्रेड परसेंट कल मैंने फिफ्टी परसेंट बोला था आज पूरी पर्यायवाची आपको कंप्लीट कर लेना है बस ठीक है पर्यायवाची एक भी नहीं बचनी चाहिए अब आपकी सारी कंप्लीट कर लेना है तो ये इन दोनों किताबों में से किसी एक से ही वैकेबलरी अपनी पढ़ लीजिएगा यदि आपके सेल्फ नोट भी हो पर्यायवाची के तो वो भी कर लीजिएगा अब रही इन वीडियोस की बात ये कहाँ पर है वीडियो लास्ट दिखा देता हूँ आपको आपको कुछ नहीं करना गूगल पे जाना है गूगल पे सर्च करना है यूट्यूब पे जाना है सर्च करना है आजाद यू पी पी सी एस अकेडमी जैसे ही आप जाएंगे ये हमारा ऑफिशियल चैनल है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए समर्पित मंच है आपको इसको सारे छात्रों तक पहुंचाना है उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों तक इस मंच को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी के पास है हर एक स्टूडेंट तक इस मंच को पहुंचाइए सभी छात्रों को बताइए कि उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं हम लोग यूपी स्पेशल का रिवीजन पर डे वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं यहाँ पर देखिए एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आप सभी के मास्टर रिवीजन को ध्यान में रखते हुए रेगुलर वीडियो इसमें अपग्रेड भी हो रहे हैं अपडेट हो रहे हैं यहाँ पर प्ले का नाम मैं आपको बता देता हूँ प्ले का नाम क्या है और इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आर ओ आर ओ प्रलिम्स एग्ज़ाम दो हज़ार इक्कीस बाई टीम आज़ाद ग्रुप एग्ज़ाम डेट पाँच दिसंबर और फोकस ये पूरी है मास्टर प्ले लिस्ट है आप लोगों के लिए इस मास्टर प्ले लिस्ट पर आपको जाना है यहाँ पर देखिए प्राचीन कम्प्लीट हिस्ट्री एनशेंट हिस्ट्री देख ली होगी आपने इसके बाद ये पहले सिलेबस का मैंने लगाया था कि क्या सिलेबस है एक बार जिनको नहीं पता देख लें बाकी ये कंप्लीट हिस्ट्री है कंप्लीट मध्यकालीन भारत ये आपको पूरा करना है छः घंटे इक्कीस मिनट का वीडियो है आपका ये मेडिवल हिस्ट्री का तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप करिएगा ज़रूर मतलब इसमें कोई कोताही नहीं बरतिएगा कोई भी ईमानदारी आपके हाथ में है हर बच्चे और सब लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपने क्या किया कितना किया कैसे आप कर रहे हैं इसको ठीक है तो ये सब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी इतने आप ईमानदार होंगे कम से कम कि आप इसे पूरा करेंगे ठीक है आपकी ईमानदारी आपके हाथ में है ऐसा मैं मान के चलूँगा ठीक है तो कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पर है मध्यकालीन भारत का और यहीं पर आपका आधुनिक भारत का भी जस्ट इसके नीचे वीडियो मिल जाएगा ये है आपका आधुनिक भारत का दस घंटे तैंतालीस मिनट का पूरा आधुनिक भारत का बिल्कुल जबरदस्त निचोड़ नहीं है डिटेल में है कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे ये आपको तीनों मात इसके बाद आपका ख़त्म है राज व्यवस्था आपका खत्म अब आपका हिस्ट्री ख़त्म बस टेंशन फ्री होके जाओ इतिहास गलत नहीं करोगे तो ये आपका इतिहास का हो गया ठीक है अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जोग्रफी से जुड़ा हुआ टॉपिक और इन्वायरमेंट जोग्राफी और इन्वायरमेंट को देखेंगे और आगे जो है आपका जो समान हिंदी का विषय वस्तु है उसे देखेंगे तो सभी लोग ये देखेंगे ये वीडियोज में भी कमेंट करिए कैसा लगा आपका अनुभव कैसा रहा एक्सपीरियंस कैसा रहा एक साथ पूरा कंप्लीट कर पाए ये देखिए अब ये लास्ट टाइम पे जूझना है आपको कुछ भी नहीं छोड़ के जाना पूरा पूरा रिवीजन कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कराऊंगा बस मेरी बातों का मेरे निर्देशों का पालन करिए थोड़ा सा आपका मन विचलित हो कुछ भी हो लेकिन इस बार डटे रहिए देखिए क्या होता है आने वाले दस दिन में एक ऐसा चमत्कार कि पूरा पाठ्यक्रम आप रिवाइज कर पा रहे हैं इतने कम टाइम पर ठीक है इसलिए कुछ भी हो जाए पढ़ना है रुकना नहीं है क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग है हर जगह पे मैंने बहुत स्मूथली आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास किया है आपका मन नहीं भटकेगा ये मेरी गारंटी है दस घंटे की भी क्लास आपको कभी भी बोरियत नहीं लगेगी आनंद आएगा आपको ठीक है तो इसको देखिए कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए सभी लोग कमेंट करिए जितने लोग देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए और यदि यूपी पी सी एस के चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर इसको सब्सक्राइब करना है जुड़ना है सभी छात्रों तक पहुंचाना है उत्तर प्रदेश में जितने भी आपके मित्र हैं छात्र हैं जो कि इस एग्ज़ाम में यूपी पी एग्जाम में आर ओ एग्जाम में दे रहे हैं सब तक पहुंचाइए आज़ाद आई एस एकेडमी का ही ये उत्तर प्रदेश के छात्रों का मंच है आज़ाद यू पी पी एकेडमी ये हमेशा आप लोगों के लिए लगातार पिछले एक साल से हम तत्पर हैं लगातार काम कर रहे हैं काफ़ी सब छात्र भी इसमें जुड़े हुए हैं इसका खुद का अप्लीकेशन भी है जहाँ पर हम डिटेल में तैयारी कराते हैं पूरी तो ये आपका टारगेट रहा तीसरे दिन का प्रतिदिन में आपको टारगेट के बाद आपके एग्जाम के अंतिम दिन तक आपको मिलूंगा है ना तो ये रहा आपका तीसरे दिन का टारगेट कल मिलते हैं चौथे दिन के टारगेट में कैसा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा कमेंट में जरूर बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा कैसी तैयारी चल रही है कितना आसान लगने लग रहा है ये चीजें एक बार डिस्कस जरूर करिए ठीक है तो मिलते हैं आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बेस्ट ऑफ लक इतनी मेहनत करने के लिए कंटिन्यूस रहिए यही आपको जिताएगा यही आपको सफल बनाएगा धन्यवाद